नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। बरेली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें, बच्चों के विवाद में दो पक्षों के बीच मारपीट हो गई है। विवाद में मारपीट के साथ ही कई राउंड फायरिंग भी की गई और फायरिंग में एक शख्स की मौत हो गई तो वहीं 5 लोग घायल हो गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। तो वहीं पुलिस ने दोनों तरफ से मुकदमा दर्ज कर लिया है। भमोरा थाना क्षेत्र के सरारी गांव की पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर बच्चों के साथ कुछ विवाद शुरू हुआ। बच्चों के बीच में आपसी लड़ाई हुई, जिसके बाद दोनों पक्षों की तरफ से विवाद गर्मा गया और इस बीच दोनों तरफ से जो है फायरिंग शुरू हो गई और इस दौरान एक शख्स की मौत हो गई है। गोली लगने की वजह से एक शख्स की मौत तो वहीं 5 लोग इस विवाद में घायल हो गए हैं। भमोरा थाना क्षेत्र के सरारी गांव की घटना बताई जा रही है, जहां पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो वहीं दोनों पक्षों की तरफ से मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की बरेली से बता रहे हैं। बच्चों के विवाद में दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। विवाद में मारपीट के साथ साथ कई राउंड फायरिंग हुई। इस दौरान एक युवक की मौत तो वहीं 5 लोग घायल हो गए हैं। और सोनभद्र से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सोनभद्र में आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिला है। आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोग झुलस गए तो वहीं मां बेटी समेत एक अन्य शख्स बुरी तरह से झुलस गया है। घटना में बेटी और एक अन्य की मौत हो गई तो वहीं गंभीर हालत में मां को CHC में भर्ती करा दिया गया है। इस हादसे के समय घर पर बैठी थी मां बेटी। जरहा और मयूरपुर क्षेत्र की पड़ने की एक घटना बताई जा रही है, जहां पर आकाशीय बिजली गिरने की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई है। बता दें, घटना में बेटी और एक अन्य शख्स की मौत हो गई है तो वहीं मां गंभीर हालत में CHC में भर्ती कराई गई, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। मयूरपुर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां हादसे के समय घर में मौजूद थी मां और बेटी। इस वक्त आकाशीय बिजली गिरने की वजह से दोनों बुरी तरह झुलस गई। इसके साथ साथ एक अन्य शख्स भी बुरी तरह से झुलस गया है बिजली गिरने से, और बेटी और उस शख्स की मौत हो गई, जबकि मां गंभीर रूप से घायल है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो वहीं अब खबर एटा से है, जहां पर भाभी देवर को गोली लगने का मामला सामने आ रहा है। आपको बता दें कि गोली लगते ही दोनों की मौत हो गई और इसी बीच देवर भाभी ने खून से लथपथ शव देखकर परिजनों के होश उड़ गए हैं। सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष डॉक्टर सुधीर कुमार सिंह पुलिस बल के साथ घटनास्थल पहुंचे तो वहीं पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। तो वहीं जेथरा थाना क्षेत्र के ग्राम खिरिया की यह घटना बताई जा रही है। थाना जैथरा का खिरिया बनार गांव है। आज सुबह सूचना प्राप्त हुई थी कि सुधीर नाम के व्यक्ति द्वारा अपनी सगी भाभी संजीव को अवैध तरीके से गोली मार दी है और इसके बाद स्वयं कुछ ने गोली मार ली है। दोनों की मृत्यु होना ज्ञात होने पर थाना पुलिस मौके पर गई और दोनों शवों कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम कार्रवाई कराई जा रही है और घटना क्यों घटित हुई, क्या इसके कारण के पीछे है, इसकी जाँच पुलिस द्वारा की जा रही है और जो भी तथ्य प्रकाश में आएगी। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां खबर मैनपुरी से है, जहां जिला पंचायत अध्यक्ष निर्वाचन में BJP की उम्मीदवार अर्चना भदौरिया विजयी हुई हैं। भाजपा को 18 और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार मनोज यादव को 11 मत प्राप्त हुए, जिसके बाद भाजपा प्रत्याशी की विजयी घोषित किया गया है। बता दें, चुनाव हुए और इस दौरान
बीजेपी का काफी शानदार प्रदर्शन इस बार देखने को मिला है। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव उत्तर प्रदेश में किए गए हैं, जहां पर आपको बता दें कि भाजपा का काफी बेहतरीन प्रदर्शन किया गया है। करीब 53 जिलों में जो है जिला पंचायत चुनाव हुए थे जिला पंचायत अध्यक्ष के, और इस दौरान एक बार फिर से मैनपुरी से भाजपा को सफलता हाथ लगी है, जहां भाजपा को 18 मिले हैं मत और इसी के साथ ही भाजपा प्रत्याशी को जीत मिली है। बता दें जिला पंचायत अध्यक्ष बनी है अर्चना भदौरिया, और इसी के साथ ही बीजेपी के लिए एक शानदार दिन, एक शानदार जीत। रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां नोएडा से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। नोएडा में अज्ञात वाहन ने स्कूटी सवार को टक्कर मार दी है। हादसे में घायल स्कूटी सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बादलपुर क्षेत्र के औद्योगिक चौकी की घटना बताई जा रही है, जहां पर तेज रफ्तार के चलते एक स्कूटी सवार की मौत हो गई है। बता दें बादलपुर क्षेत्र के औद्योगिक चौक की घटना बताई जा रही है, जहां पर तेज रफ्तार वाहन ने स्कूटी सवार को रौंद दिया है, टक्कर मार दी है, जिसकी वजह से स्कूटी सवार शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। इसी दौरान हादसे में घायल स्कूटी सवार युवक की मौत हुई है, और बता दें कि पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया है, और इसके साथ ही पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जो कि खबर एटा से सामने आई है। बता दें जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा यादव बनी है। रेखा यादव को कुल 24 वोट मिले, तो वहीं 4 वोट भाजपा विनीता यादव को मिले हैं। 2 जिला पंचायत सदस्यों के वोट किसी कारण निरस्त हो गए। तो वही खबर मेरठ से सामने आ रही है, जहां 24 घंटे में दूसरी हॉरर किलिंग का मामला सामने आया है। बता दें ऑनर किलिंग के इस मामले में सनसनी फैल गई है, जिसकी वजह से आपको बता दें कि बहन के प्रेम प्रसंग से नाराज एक भाई ने प्रेमी की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी है, जिसके बाद आरोपी फरार हो गया और अब पुलिस उसकी तलाश कर रही है। दिन निकलते ही मेरठ के थाना सदर बाजार क्षेत्र के भूसा मंडी इलाके में सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया है। इलाके में दिन निकलते ही हत्या की घटना से सनसनी फैल गई, तो वहीं जिसके बाद अब आरोपी फरार हो गया है, लेकिन घटना से मृतक के परिवार में कोहराम मच गया। दरअसल स्पोर्ट्स कारोबार से जुड़ा सलीम भूसा मंडी इलाके में रहने वाली एक लड़की से प्यार कर बैठा, और बहन के प्रेम प्रसंग को लेकर इलाके में तरह तरह की बातें होने लगी, जिसके बाद गुस्सा होकर लड़की का भाई मोहसिन लगातार इस प्रेम प्रसंग का विरोध कर रहा था। मोहसिन ने झूठी शान की खातिर एक प्लानिंग रची, एक साजिश रची है, और इसके तहत सलीम की हत्या की कर दी गई। इसी के साथ ही आपको बता दें सुबह पहले सलीम को घर बुलाया, जहां मोहसिन और सलीम का झगड़ा हुआ, जिसके बाद सड़क से गुजर रहे सलीम को मोहसिन ने गोली मार दी। इलाके के लोगों ने हत्या का यह दिल दहला देने वाला नजारा अपनी आंखों से देखा। इसी बीच हत्याकांड को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसके बाद हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो वहीं हत्या से जुड़े साक्ष्य जुटाने के लिए टीम भी गठित कर दी गई, और इलाके के लोगों की गवाही के आधार पर मोहसिन की तलाश तेज कर दी गई है। हालांकि अभी तक हत्यारे का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। देखिए, ये थाना सदर बाजार में भूसा मंडी क्षेत्र की घटना है। रात्रि में लगभग 3:45 बजे के आसपास की घटना है। आज सलीम नाम का एक युवक, उसको एक व्यक्ति ने, जो कि वही पास में रहता था, उसने आकर के गोली मार दी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।
तहरीर के अनुसार अभी वो पंजीकृत करके आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, हत्या के पीछे का कारण क्या रहा सामने आया? देखिए, ये तो तहरीर में जो वादी के द्वारा जो अंकित किया जाएगा उस पर हमारी जो है प्राथमिक रूप से हमारी जाँच रहेगी, लेकिन जो प्रथम दृष्टया जो तथ्य सामने आ रहे हैं वो कुछ इस प्रकार के हैं कि एक पास में रहने वाली एक युवती से इनका प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है कथित रूप से, जिसके बारे में जो विरोध हुआ और ये उसके बावजूद भी जाते रहे वहाँ पर, इस बात को लेकर युवती के परिजनों द्वारा ये घटना कारित किया जाना बताया जा रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा, ये प्रथम दृष्टया ये बातें आ रही हैं, जैसी कही जाएगी उसके अनुरूप फिर आगे सभी साक्ष्यों पर कार्रवाई करते हुए व्यवस्था की जाएगी। और इसी बीच कानपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, दो वाहनों की आपस में भीषण टक्कर हो गई है, जिसकी वजह से दोनों ही गाड़ियों से 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को CHC में भर्ती करा दिया गया है। घाटमपुर थाना क्षेत्र के रूपनगर की घटना बताई जा रही है, जहां दो वाहनों में आपसी टक्कर की वजह से 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले में संज्ञान लिया है, तो वहीं सभी घायलों को CHC में भर्ती करा दिया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की कानपुर से, दो वाहनों की आपस में भीषण टक्कर हो गई, इस दौरान 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दोनों ही गाड़ियों में मौजूद लोग घायल हो गए, जिसकी वजह से सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया है और फिलहाल आगे की कार्रवाई की जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं कानपुर से, दो वाहनों में आपसी टक्कर हो गई और इस दौरान 6 लोग घायल हो गए हैं। घाटमपुर थाना क्षेत्र के रूपनगर की घटना बताई जा रही है। वहीं दिल्ली NCR में लगातार दूसरे दिन बारिश से लोगों को लू और भीषण गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं दिल्ली में आज भी हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने पहले ही अंदाजा जताया था कि 2 से 4 जुलाई के बीच तेज प्री मानसून बारिश हो सकती है। ऐसे में 7 से 10 जुलाई तक मानसून के पहुंचने की संभावना है और आज अधिकतम और न्यूनतम तापमान 39 डिग्री और 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया गया है। इसी बीच राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में भी पारा चढ़ रहा है और राजस्थान के करौली में दिन में अधिकतम तापमान 42.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, तो वहीं पंजाब के बठिंडा में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। इसी बीच आपको बता दें कि मौसम विभाग ने बताया कि उत्तर प्रदेश में, उत्तर भारत में मैदानी और पर्वतीय इलाकों में लू का असर कम हो गया है और इसी के साथ ही आगामी 5 दिन लू चलने की संभावना नहीं है। ऐसे में आगामी 5 दिनों में तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की भी संभावना जताई गई है। वहीं आज एक बार फिर तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की है, जिससे आम आदमी की परेशानी एक बार फिर से बढ़ गई है। आम आदमी पहले से ही घटती आय से महंगाई के बीच जूझ रहा था और ऐसे में राष्ट्रीय राजधानी में पेट्रोल की खुदरा कीमत 35 पैसे प्रति लीटर बढ़कर अब 99.51 रुपये हो गई है, यानी कि 99.51 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत हो चुकी है। इसी बीच डीजल की कीमत में भी 18 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जिसके बाद डीजल की नई कीमत राजधानी में 89.36 रुपये प्रति लीटर हो गई है। और साथ ही बता दें चेन्नई में अब पेट्रोल 100 का आंकड़ा पार कर चुका है। 100.44 रुपये प्रति लीटर पर चेन्नई में पेट्रोल बेचा जा रहा है और डीजल की कीमत 93.91 रुपये प्रति लीटर पहुंच गई है। पेट्रोल की कीमत दिल्ली और कोलकाता में भी शतक मारने के बेहद करीब है। कोलकाता में आज पेट्रोल की कीमत 99.45 रुपये प्रति लीटर है, जबकि डीजल की कीमत 92.27 रुपये प्रति लीटर हो गई है। मुंबई दूसरा ऐसा मेट्रो शहर है जहां पेट्रोल की कीमत 100 का आंकड़ा पार कर चुकी है और ये कीमत 105 रुपये
58 पैसे प्रति लीटर पर जा पहुंची है। नई बढ़ोतरी के साथ पेट्रोल की कीमतें पूरे देश में सदी के निशान को अब मारने में बहुत ही करीब पहुंच गई हैं। बता दें कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के कुछ शहरों और कस्बों में पेट्रोल की दर 100 रुपए प्रति लीटर पार कर चुकी है। वहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपने मुंह मियां मिट्ठू चाहे जितना भी बन ले, लेकिन दुनिया में अगर कहीं चीन का नाम लिया जाता है तो एक से बढ़कर एक विवाद और दाग सामने आते हैं। हाल ही में चीन ने अपनी कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल पूरे कर लिए हैं और अपनी तारीफों में कसीदे भी पढ़ दिए गए, लेकिन चीन जिस दागदार छवि को सफेद चादर से ढकने की कोशिश कर रहा है उसकी पड़ते हम खोलेंगे इस रिपोर्ट में। चीन में बीजिंग के तियानमेन स्क्वायर पर जबरदस्त रौनक थी। बीजिंग की वो ऐतिहासिक जगह जहां लोकतंत्र की आवाज दफन है, वो तानाशाही के लाल पताके से पट्टी पड़ी थी। नीचे 70,000 कार्यकर्ताओं की भीड़ जमा की गई थी। ऊपर चाइनीज मिलिट्री के हेलीकॉप्टर्स और जेट फाइटर J-20 का फ्लाइट पास्ट हो रहा था। चीन के आसमान में कभी शतक के निशाने दिखाए जा रहे थे तो कभी चाइनीज विमान कलरफुल एयरबेटिक्स दिखा रहे थे। नीचे जमीन से शांति स्वरूप कबूतर उड़ाए जा रहे थे और ऊपर आसमान में बैलून से फटा पड़ रहा था। ये किसी मुल्क का नहीं, एक राजनीतिक दल का शताब्दी समारोह था। ये चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के 100 साल पूरे होने का मौका था। जब एक राजनीतिक दल का जश्न राष्ट्र से बड़ा बन गया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बुलंद होते पटाखे के पीछे से शी जिनपिंग की आवाज सुनाई दे रही थी। तियानमेन स्क्वायर पर नए चीन के लोग थे। उनका नेता कम्युनिस्ट चाइना की सोशलिस्ट थ्योरी समझा रहा था। पार्टी की सुनो, पार्टी को मानो और पार्टी के आभारी रहो। दीवार पर लटका माओ का फोटो भी सुन रहा था जो जिनपिंग बोल रहे थे। ये चीन तभी है जब कम्युनिस्ट पार्टी है और कम्युनिस्ट पार्टी तभी है जब जिनपिंग है। वही चीन को बचा सकते हैं। एक घंटे तक चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग बोलते रहे, लेकिन तालियां तब तक बजी जब जब जिनपिंग ने झूठ बोला या ढींगे हांकी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि चाइनीज डिंग नंबर एक, पहले 100 साल में हमने गरीबी हटा दी, अगले 100 साल में सोशलिस्ट देश बनेंगे। चाइनीज डिंग नंबर 2, ताइवान को आजाद नहीं रहने देंगे। चाइनीज डिंग नंबर 3, हांगकांग और मकाओ में फुल ऑटोनोमी है। चाइनीज डिंग नंबर 4, कोई चीन को धमकाएगा तो वो 140 करोड़ चीनियों के फौलाद से टकरा कर लहूलुहान हो जाएगा। इस पूरे जश्न और समारोह का लबोलुआब कुछ ऐसा था कि जिनपिंग अपने एक घंटे के भाषण में 1.5 अरब चीनियों को ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है। यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि जिनपिंग की अगुवाई में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना वाली सरकार के ऊपर आरोप लग रहे हैं। शताब्दी वर्ष समारोह में जिनपिंग अपने देशवासियों के सामने चीन पर लग चुके उन्हीं अमित दागों को धोते पोंछते नजर आए, क्योंकि जिनपिंग के तानाशाही काल में जिस तरीके से चीन के नाम पर पूरी दुनिया में कालिख लगी है, उसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के 9,52,00,000 समर्थक भले इनकार करते हो, लेकिन चीन में 130 करोड़ लोग रहते हैं जो CPC के सदस्य नहीं है। ये लोग जिनपिंग की तानाशाही वाली हरकतों के खिलाफ भी हो सकते हैं। बीजिंग में जो समारोह हुआ उसमें एक घंटे तक जिनपिंग बोले। उसमें जिनपिंग तीन ही बातें कहना चाहते थे। एक तो ये कि उनकी वाली कम्युनिस्ट पार्टी महान है, दूसरी ये कि चीन पर लग रहे सारे आरोप झूठे हैं, और तीसरा ये कि वो आजाद ताइवान पर हर हाल में कब्जा करके मानेंगे। अब सोचिए, जिस मुल्क का नेता उसी मंच से ये कहता है कि हांगकांग पूरी तरह स्वायत्त है, मकाओ में कुछ थोप नहीं रहे, वही नेता उसी मंच से कहता है कि ताइवान को तो छोड़ेंगे नहीं। आप इस मुल्क पर राज कर रही पार्टी की नीति और नेताओं की नीयत का अंदाजा इसी से लगा लीजिए। वैसे जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के 100 साल का जश्न मन रहा था तो लाखों लोग ऐसे भी थे जो चाइनीज कब्जे का दंश झेल रहे थे। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की नीतियों का खामियाजा दुनिया भुगत रही है। शी जिनपिंग अपने मुंह मियां मिट्ठू चाहे जितना भी बन ले, लेकिन दुनिया में अगर कहीं चीन का नाम लिया जाता है तो एक से बढ़कर एक विवाद और दाग सामने आते हैं। जिस हांगकांग पर चीन ने जबरन कब्जा कर रखा है वहां जश्न मनाया गया। चीन का झंडा पहले चढ़ता है और हांगकांग का बाद में। चीनी झंडा ऊंचा फहराता है और हांगकांग का नीचे।
हांगकांग ऑटोनोमस रीजन की स्थापना का सालाना उत्सव मनाया गया। इस उत्सव में प्रशासक के नाम पर चीनी पिट्टू है, फौजी है, परेड ब्रिगेड है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, लेकिन हांगकांग के लोग नदारद हैं। हांगकांग के ये लोग 30 जून से ही सड़कों से गायब हैं। हांगकांग के लोगों को जानवरों की तरह जिबा की हालत में दबोचा जा रहा है, उन्हें बेहोश करके घसीटा जा रहा है, बसों में भर भर के जेल में भेजा जा रहा है, क्योंकि ये लोग हांगकांग पर चीनी अत्याचार के खिलाफ हैं। 1 मई को CPC का शताब्दी समारोह मनाने से पहले चीन ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के नाम पर हांगकांग के निवासियों पर जो कहर ढाया है उसे दुनिया खामोशी से देख रही है। दमनकारी कानून के खिलाफ आवाज़ क्या उठाई, 117 लोग गिरफ्तार कर लिए गए, 64 लोगों पर संगीन आरोप लगा दिए गए, आजीवन जेल में रखने का इंतजाम कर दिया गया। आज हांगकांग वाले वही भुगत रहे हैं जिसका उन्हें डर था। 1 साल से जिसके लिए सड़कों पर जान की बाजी लगाकर प्रदर्शन किया, उस स्वायत्ता को चीन ने दफन कर दिया। जिस हांगकांग में स्वायत्ता शासन था, उस हांगकांग पर जबरन चाइनीज ड्रैगन ने कुंडली मार ली। हांगकांग अब पूरी तरह से चीन के कब्जे में, जिनपिंग की सरकार के रहमो करम पर है। न जाने किस मुंह से राष्ट्रपति जिनपिंग होंग की स्वायत्ता का दावा कर रहे थे, जबकि चंद दिनों पहले चीन ने हांगकांग के अखबार एप्पल डेली का प्रकाशन बंद करा दिया था। एक ऐसा अखबार जिसने हांगकांग की स्वायत्ता को लेकर आवाजें बुलंद की थी, उसके दफ्तर पर अगस्त 2020 से ही छापे पड़ने लगे थे। अखबार के मालिक जिमी लाई को झूठे आरोपों के तहत जेल में डाल दिया गया और जनवरी 2021 आते आते हांगकांग के समर्थन में खड़े होने वाले 63 नेताओं को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। आखिरकार पिछले महीने एप्पल डेली का प्रकाशन बंद कर दिया गया और जब दुनिया में इस पर सवाल उठे तो चीन ने कहा कि सब कुछ कानूनन हुआ है। चीन के पापों की चीत्कार दिल्ली में सुनाई पड़ती है। तिब्बत के लोगों की जमीन पर चीन ने कब्जा कर लिया है। भारत में चाइनीज दूतावास के सामने ये लोग अपना विरोध प्रदर्शन करते रहे, ये जानते हुए भी कि इनकी जमीन को चीन के जंगल से शायद ही आजादी मिले। लेकिन तिब्बतियों की इस आवाज ने उस आग को जला रखा है जिसे पूरी दुनिया देखती है और जानती है कि चीन ने कहां कहां और किन की जमीनों पर कब्जा किया है। आज जब चीन कोई उत्सव मनाता है और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की नीतियों और नियत के दाग पहुंचते हैं, तो ये तिब्बती बताते हैं कि चीन की तारीख कितने महापापों से भरी है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के कारनामों और करतूतों की चर्चा हो रही है तो आपको कुछ और बातें बताना जरूरी है। उसमें एक तो ये कि 1920 के बाद चीन में कम्युनिस्ट विचारधारा इतनी तेजी से फैली जैसे कोरोना वायरस फैलता है। मतलब 1921 में चीन में कम्युनिस्ट पार्टी के सिर्फ 50 समर्थक थे और 1925 में उनकी संख्या 1500 हो चुकी थी। दूसरी ये कि आज चीन पर जो राजनीतिक दल राज कर रहा है उसने चाइनीज राष्ट्रभक्तों से युद्ध करके उनकी जमीन छीनी थी। चांग काई शेक को राष्ट्रवादी दल का नेता माना जाता था। 24 साल के गृह युद्ध के बाद माओ की फौज ने उसी चांग काई शेक को ताइवान खदेड़ कर चीन पर कब्जा किया था। तीसरी ये कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की बुनियादी में ही विस्तारवाद का कीड़ा पड़ा हुआ है। आपको बता दें कि माओ की विरासत को जिनपिंग की तानाशाही में चीन आगे बढ़ा रहा है। चीन ने दक्षिण चीन सागर पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया है, हांगकांग पर कब्जा कर चुका है, ताइवान पर कब्जे की तैयारी में है, भारत से भी उसका जमीन को लेकर विवाद है। बस इतना समझ लीजिए कि चीन के आसपास 17-18 देश हैं और हर किसी की जमीन और समुद्र पर चीन कब्जे की फिराक में रहता है। यही चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की असली सूरत भी है। न्यूज डेस्क, आर्य न्यूज। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्य न्यूज।